यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के प्रयागराज स्थित घर को बुलडोजर से गिराया गया। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर से तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिली है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में जफर के दो मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर लगाकर गिराया। इस घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अतीक का मकान जब जब्त किया गया था तो जफर ने ही उसके परिवार को यहाँ पनाह दी थी। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। वकील ने अतीक की सुरक्षा पर सवाल उठाए। वहीं उमेश हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह की बुधवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर 2 दिन पहले ही राघवेंद्र को लखनऊ PGI के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया था। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने कहा, आज जो मकान चकिया में 297-205 ध्वस्त किया जा रहा है वो बेनामी संपत्ति नहीं है। ये मकान जफर अहमद खान का है। जफर मूलतः बांदा का रहने वाला है। इस मकान को 7 जनवरी 2021 को जफर के पिता ने अपने धन से खरीदा था। इसके ठीक सामने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का मायका है। अतीक अहमद का चकिया स्थित मकान गिराए जाने के बाद वो अपने मायके में ही रह रही थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जफर अहमद से इस मकान को किराए पर लिया था। शाइस्ता और उनका परिवार इसी मकान में 2021 से रह रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जफर अहमद को बिना कोई नोटिस दिए ही उनके घर पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।